देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा था मेरी प्रीवियस वीडियो में, मैंने जिक्र किया था मलेरिया और टाइफाइड के बारे में, वैसे ही दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डेंगू फीवर के ऊपर, यानी कि डेंगू होता क्या है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी, मेरे टेक्निकल हेल्थ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत में सामान्य सा दिखने वाला यह फीवर कितना खतरनाक हो सकता है आप लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। अगर आप लोगों ने उसकी जांच कराने में या फिर उसको उसका ट्रीटमेंट कराने में जरा भी देरी कर दी तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो आज हम इसी के बारे में आपको इन डिटेल बताने जा रहे हैं दोस्तों कि डेंगू होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये किस एंटीजन से होता है। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो को देखना और एंड तक बने रहना मेरी वीडियो में। अब बात करते हैं डेंगू कैसे और कब होता है। दोस्तों, डेंगू एक मादा एडीज इजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर के शरीर पे चीते जैसे मार्क बने होते हैं, इसकी पहचान यही होती है। यह मच्छर ज़्यादातर दिन में सुबह के टाइम ही काटता है। डेंगू बरसात के मौसम में या फिर उसके ठीक उसके कुछ महीने बाद, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 से 4 महीनों में बहुत ज़्यादा पनपता है, क्योंकि यह मौसम इस मच्छर के पनपने के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। आप लोगों ने इन्हीं महीनों में ज़्यादातर डेंगू के केसेस देखे होंगे। दोस्तों, एडीज इजिप्टी मच्छर जो है वो ज़्यादातर ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता है, वो कम ऊंचाई पर ही उड़ पाता है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि ये कैसे फैलता है। देखिए दोस्तों, ये डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज के शरीर में डेंगू का वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था मलेरिया के केस में कि मलेरिया कंडीशन में अगर जब किसी पेशेंट के अंदर मलेरिया पैरासाइट्स होता है और तब उसको कोई मच्छर बाइट करता है और फिर उसको काटने के बाद में वो जो मलेरिया का पैरासाइट है वो उस मच्छर के अंदर ब्लड सक करता है तो वो उस मच्छर के अंदर चला जाता है, वैसा ही केस डेंगू के केस में भी होता है। जब ये मच्छर, डेंगू का मच्छर किसी डेंगू से पीड़ित पेशेंट को काटता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डेंगू का जो वायरस है वो उस मच्छर के अंदर चला जाता है और फिर वो उसके बाद जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो वायरस उस हेल्दी पर्सन के अंदर भी चला जाता है और ऐसे ही ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ये डेंगू का जो एंटीजन है वो सफ़र करता है और ऐसे ही ये डेंगू फैलता जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि ये डेंगू जो बीमारी है पेशेंट के अंदर कब दिखती है। दोस्तों, मच्छर के काटने के 3 से 5 दिन के अंदर उस पेशेंट के अंदर डेंगू के सिम्टम्स शो होने शुरू हो जाते हैं। मोस्टली इसमें क्या होता है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो मियादी टाइम होता है वो 10 दिनों का होता है। 10 दिनों के अंदर अंदर डेंगू पूरी तरह से बॉडी के अंदर जो है इसका एंटीजन होता है, जो वायरस होता है, वो फैल जाता है और पूरे सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम कि कितने टाइप का होता है डेंगू फीवर, यानी कि डेंगू कितने तरह का होता है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, जो डेंगू है वो तीन टाइप का होता है, जिसमें पहले नंबर पे होता है क्लासिकल डेंगू फीवर, यानी कि जिसको हम जनरल डेंगू फीवर भी बोलते हैं। इसके बाद होता है हमारा डेंगू हेमरेजिक बुखार, जिसे हम DHF भी बोलते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर का होता है वो होता है DSS, यानी कि डेंगू शॉक सिंड्रोम। दोस्तों, इन तीनों डेंगू फीवर में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होते हैं वो 2 नंबर के, यानी कि DHF और DSS होते हैं। जो पहले नंबर का जो फीवर होता है, जो जनरल डेंगू फीवर होता है, उस वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, उसमें जान जाने की भी कोई इतने ज़्यादा परसेंटेज नहीं होती हैं। लेकिन जो दो ये जो होते हैं DSS और DHF जो होते हैं, अगर इसमें वक्त रहते सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिले पेशेंट को या फिर इसकी सही तरीके से जाँच नहीं हो तो पेशेंट डेथ कर सकता है और उससे भी ज़्यादा हार्मफुल और एक बिग लेवल के उसमें पेशेंट के अंदर कमियां या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए यह पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट के अंदर डेंगू क्लासिकल फीवर है या फिर DSS है या DHF, इन तीनों में डिफरेंस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सिम्टम्स ऑफ डेंगू, यानी कि डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं। अब जो साधारण जो क्लासिकल डेंगू होता है,
उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरली बहुत तेज़ी से फीवर होना, हाथ पैरों में दर्द होना, मांसपेशियों में खिंचाव, आँखों में दर्द होना या फिर आँखों को टच करने पे उनके जो वो ज़्यादा दर्द का बढ़ जाना, कमजोरी होना, वोमिटिंग होना, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये एक नॉर्मल जो जनरल क्लासिकल जो डेंगू है उसके सिम्टम्स होते हैं। अब इसके बाद जो बात करते हैं हम डीएचएफ के क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें होता है दोस्तों नाक और मसूड़ों से खून आना, सोच या उल्टी में खून आना, स्किन पे गहरे नीले काले रंग, छोटे और चकते पड़ जाना या फिर बड़े और चकते पड़ जाना। अगर दोस्तों क्लासिकल फीवर जो डेंगू है उसके सिम्टम्स के साथ साथ ये सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, तुरंत आपको टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्लासिकल फीवर के भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं और इसके साथ में डीएचएफ के भी सिम्टम्स है तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डीएसएस के क्या सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों डीएसएस के सिम्टम्स जो डीएचएफ होता है, डीएचएफ के ही सारे सिम्टम्स डीएसएस वाले पेशेंट के अंदर शो होंगे, लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है, पेशेंट बहुत ज़्यादा सॉक्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक बेचैनी सी महसूस होने लग जाती है पेशेंट को और वो बार बार उसको बेहोशी भी होने शुरू हो जाती है और उसको तेज़ बुखार होने के साथ साथ जो पेशेंट होता है उसकी स्किन बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, लगता ही नहीं है कि पेशेंट को बुखार है, और इन सब के चलते चलते जो पेशेंट होता है वो अपना होश खोने लग जाता है, पेशेंट धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाना शुरू हो जाता है, उसकी नाड़ी कभी तेज़ धड़कती है तो कभी बहुत ही स्लो धड़कने शुरू होती है और उस कंडीशन में पेशेंट का बीपी लो, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की, यानी कि इसका पता कैसे लगता है। दोस्तों अगर आपको तेज़ बुखार है और आपको जो क्लासिकल डेंगू के सिम्टम्स होते हैं अगर वो सारे शो हो रहे हैं तो आपको, या फिर आपकी बॉडी पे रेसिस खुजली टाइप के दाने पड़ रहे हैं, रेड टाइप के जो दाने होते हैं वो पड़ रहे हैं, तो आपको तुरंत आपको पहले ही दिन जिस दिन आपको सिम्टम्स शो होते हैं उसी दिन आपको डेंगू टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर ऐसे सिम्टम्स नहीं आते हैं और फिर भी फीवर लगता है और एक सीजनल टाइम पे आपको ये फीवर आता है तो आपको एक दो दिन के बाद आपको फिजिशियन के पास में जाना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है तो वो आपका डेंगू टेस्ट रिकमेंड ज़रूर करेगा। दोस्तों इसमें होता क्या है, सबसे पहले डॉक्टर आपको NS1 एंटीजन की सलाह देगा कराने के लिए। उस कंडीशन में क्या होता है, NS1 रैपिड द्वारा भी होता है और इसको एलाइजा द्वारा भी किया जाता है। रैपिड की कंडीशन में क्या होता है कि आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और ब्लड सैंपल लेने के बाद में जो सीरम होता है उससे रैपिड जो किट होती है उसमें लगाया जाता है। अगर आपका हाईली पॉजिटिव होगा, स्टार्टिंग में क्या होता है कि एकदम हाईली तरीके से पॉजिटिव आएगा, फिर बाद में वो आपका धीरे धीरे कम तरीके से पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों एक बात और, जब भी आप डेंगू टेस्ट कराएं तो डेंगू टेस्ट कराने के साथ साथ आपको CBC टेस्ट जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है वो भी कराना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इस कंडीशन में क्या, डेंगू की कंडीशन में क्या होता है कि हमारे TLC के साथ साथ प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से ब्रेक डाउन होती हैं। जो डेंगू का जो एंटीजन होता है, जो वायरस होता है, वो प्लेटलेट्स को हार्म पहुंचाता है, उनको बहुत तेज़ी से कम करता है, इसलिए आपके TLC और प्लेटलेट्स का बना रहना डेंगू में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए आपको CBC टेस्ट भी टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि डेंगू के केस में प्लेटलेट्स की बहुत ही अहम भूमिका होती है, तो ऐसा क्यों होता है, वो ये होता है कि दोस्तों जो डेंगू का जो वायरस होता है वो हमारे ब्लड में मौजूद जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर देता है। अगर हमारे ब्लड की प्लेटलेट्स सभी ख़त्म हो जाएंगी तो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मोस्टली 40,000 से 50,000 तक प्लेटलेट्स तक हमारी बॉडी के अंदर, अगर इतनी प्लेटलेट्स होती हैं तो ब्लीडिंग नहीं होती है, अगर इससे कम हो जाती है तो ब्लीडिंग होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। इवन डेंगू के केस में क्या होता है कि अगर सुबह को पेशेंट अपना CBC टेस्ट कराता है तो उसको 1,00,000 के आसपास अगर प्लेटलेट दिखाई देती हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि शाम तक वो 1,00,000 तक ही रहेंगी। उस केस में क्या हो सकता है कि पेशेंट की 15,000 से 20,000 तक भी प्लेटलेट्स हो सकती हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर फिर प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए सजेस्ट करता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की।
कि इलाज क्या है डेंगू का। दोस्तों अगर आपको जनरल डेंगू फीवर है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था क्लासिकल फीवर है, तो उसमें क्या है, क्या कर सकते हैं कि आप पेशेंट को घर पे ही अच्छे तरीके से देख रेख कर सकते हैं। डॉक्टर अपना जो फिजिशियन है उनके सलाह पे आप कोई भी अगर फीवर आता है तो पैरासीटामोल जैसे क्रोसिन टाइप की मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों ध्यान रखना कि एस्पिरिन और डिस्प्रिन जैसी मेडिसिन इसके फीवर में बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेटलेट्स को बहुत तेज़ी से कम करती हैं। डेंगू फीवर होने पे पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाना खाने से पेशेंट की बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट होगी। एनर्जी क्रिएट होगी तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इम्यूनिटी का सबसे बड़ा रोल होता है, इम्यूनिटी अपनी अच्छी तरीके से बना के रखनी चाहिए पेशेंट को।